दोस्तों मैं हूं नायक, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। आपको बता दें दोस्तों, पहली खबर इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर 26 जुलाई तक जो इंडिया है वो यहाँ पर यूएस, यूके और वियतनाम के लिए जो फ्लाइट है वो ऑपरेट कर रहा है। ये एयर बबल वाली फ्लाइट है, तो एक बार आप जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं एयर इंडिया की वेबसाइट पर। दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने यहाँ पर जो फंड है करीब 540 मिलियन डॉलर फंड रेस किया है अपने एयरबस A350 और 787 को सिक्योर करने के हिसाब से। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इजी जेट ब्रिटिश एयरवेज यहाँ पर अब प्लान कर रहे हैं कि वो जो यूके और स्पेन की फ्लाइटें हैं उनको फिर से रिज्यूम किया जा सके। तो यहाँ पर बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि यूके और स्पेन की जो फ्लाइटें हैं वो इजी जेट और ब्रिटिश एयरवेज ऑपरेट करने लगेंगे। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें इंडिगो 10% कर्मचारियों की करेगी छटनी, और यहाँ पर कहा गया है कि बिना किए उड़ान भरना संभव नहीं है क्योंकि एयरलाइन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर जेट एयरवेज की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें जेट एयरवेज का रिवाइवल प्रोसेस में है और यहाँ पर जेट एयरवेज को 2 बिड रिसीव हो चुकी है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें जो कि एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें एमिरेट्स एयरलाइन की बोर्डिंग करने से पहले, अगर आप दुबई की यात्रा कर रहे हैं, बोर्डिंग करने से पहले जितने भी नियम कानून है उसकी वीडियो हम आपको जल्द ही देने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी एविएशन रिलेटेड अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हो इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।